नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार समझ लीजिए कि बहुत बड़ा त्यौहार होता है और साथ ही साथ साधु संत हो, अघूरी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे दीपावली का बड़ा इंतजार रहता है। क्योंकि दीपावली के दिन दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही आपके जीवन के अंदर प्रवेश करती है। दीपावली के अंदर महालक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर, माता सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है ताकि इनकी कृपा आपके घर के अंदर बने। और अगर आपने इनको प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए कि आपने इस चमत्कारी रात को बड़े से बड़े काम अपने आप ही पूरे कर लिए और आपका आने वाला पूरा साल इस दीपावली की पूजा के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार आप दीपावली को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं ताकि वह आपके ऊपर अपनी मेहरबानी बनाए रखें। दोस्तों, बड़े से बड़े साधु संत भी इस दीपावली की रात्रि का इंतजार इसीलिए करते हैं ताकि उनको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाए और वह कभी भी अपने जीवन के अंदर पीछे मुड़कर नहीं देखे, अपनी जबान को सत्य बनाने के लिए अर्थात उन्होंने जो बोल दिया वह समझ लीजिए कि लोहे की लकीर हो गया, इसीलिए दीपावली का आयोजन करते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई भी हिंदू नहीं होगा जो अपने घर के अंदर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करता। बड़ा होता है व्यक्ति तो बड़ा आयोजन करता है, बड़ी पूजा करता है। छोटा असमर्थ व्यक्ति होता है तो वह भी कुछ नहीं, माता लक्ष्मी के निमित्त एक दीपक तो जरूर जलाता है ताकि उसके घर के अंदर भी महालक्ष्मी उसे इस काबिल बना पाए कि वह बड़े से बड़ा आयोजन कर पाए। दोस्तों, इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली की रात को बस अपने घर के अंदर यह एक चीज रख देनी है ताकि आपके जीवन के अंदर चमत्कार देखने को मिले और आने वाला पूरा साल आपका अच्छा और मंगलमय जाए। तो बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है कि आपको एक रुपये का सिक्का लेना है, लेकिन दोस्तों आप एक रुपये के सिक्के की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं, आप किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आप अपने लेना चाहे, आप इसके अंदर शामिल करना चाहिए, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं ताकि आप अपने जीवन के अंदर जो आपने दुख दारुण्य देखा है उसके अंदर से आपको छुटकारा मिल जाए और महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो। एक रुपये का सिक्का दोस्तों हमने आपको इसीलिए बताया है ताकि एक रुपये का सिक्का क्या होता है कि लंबे समय तक टिक जाता है। उसके अलावा आप एक रुपये का सिक्का नहीं लेना चाहते तो आप क्या करें, 5 तुलसी के पत्ते ले सकते हैं, आप हल्दी की गांठ ले सकते हैं, पूजा की सुपारी ले सकते हैं, आप ध्रुवा घास भी ले सकते हैं, कमल गट्टा ले सकते हैं, आप कुछ भी लें, इलायची के दाने ले सकते हैं, आप कुछ भी लें, लेकिन आपको इसे एक साल तक संभाल कर रखना है। इसीलिए दोस्तों हमने एक रुपए के सिक्के का चयन किया है, जिससे क्या होगा कि एक रुपए का सिक्का ना तो खराब होता है और ना ही इस सिक्के के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं आती है, इसीलिए सिक्का लिया है। बाकी आप अपनी इच्छा से कोई भी महालक्ष्मी को जो चढ़ाई जाती है वह आप चीज ले लें। उसके बाद पहला काम यही करना है कि उसको आपको गंगा जल की सहायता से आपको धो लेना चाहिए ताकि वह चीज पवित्र हो जाए, उसके अंदर की जो अशुद्धियां हैं वह समाप्त हो जाए। जो भी आप चीज लें उसे गंगा जल की सहायता से धो दें। उसके बाद आप क्या करें, जैसे आप अपने घर के अंदर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, आप दीपावली की पूजा तो करेंगे निश्चित तौर पर, आप क्या करें कि उस एक रुपए के सिक्के को महालक्ष्मी के चरणों के आगे आपको मात्र रख देना चाहिए। अब आप महालक्ष्मी के चरणों के आगे रख दें, उसके बाद आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है वह बोल दें और एक मंत्र का जाप करें, ओम श्री महालक्ष्मी नमामि नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमामि नमः। इस मंत्र का आप लगातार जाप करते रहें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, उस सिक्के को अपने हाथ के अंदर या जो भी चीज आपने ली है उसको अपने हाथ के अंदर लेकर महालक्ष्मी से आप अपने दिल से जो भी मनोकामना मांगना चाहते हैं वह मनोकामना आपको महालक्ष्मी से मांग लेनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों क्या करें कि दीपावली की अगली सुबह को इस सिक्के को या जो भी आपने चीज ली है उसे अपने हाथ की हथेलियों के अंदर लेने के बाद आप महालक्ष्मी से पुनः आशीर्वाद प्राप्त करें। उसे उसके बाद आपका जो पर्स होता है अपने पर्स के अंदर आपको उसे रख देना चाहिए, लेकिन यह इस बात का जरूर ध्यान रखें इसे आपको खर्च नहीं करना है। जब आपने इसे ले लिया है तो पूरे साल भर आपको इसे संभाल कर अपने पास रखना चाहिए, या कोई भी चीज आपने ली है जैसे कि 7 इलायची के दाने लिए हैं, कमल गट्टे के दाने लिए हैं, अपने पर्स के अंदर या अपनी तिजोरी के अंदर आपको इसे संभाल कर रखना चाहिए ताकि यह चीज समाप्त ना हो या यह चीज घिरे ना, इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इलायची आदि ऐसी चीजें लेते हैं तब आप इसे एक ही लें और जब वह चीज पुरानी खराब हो जाए तब आप इसे पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित करके दूसरी चीज को ले लें,
दोस्तों जब तक ये सिक्का या ये चीज आपके अलमारी या तिजोरी के अंदर एक साल के लिए पड़ा रहता है, समझ लीजिए कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। धन के मामलों के अंदर आपको यकोचित वृद्धि देखने को मिलती है, ऐसे ही आपके सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं और आप जैसा आशीर्वाद माता लक्ष्मी से चाहते हैं वैसा आशीर्वाद इस दीपावली की रात को किया गया यह उपाय आपको दे देता है। इतना सकारात्मक और इतना सात्विक यह उपाय माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर करेंगे तो निश्चित तौर पर इसकी मनोकामना आपको आने वाले दिनों के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय महालक्ष्मी आदि का जाप जरूर करें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।